हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम क्रम्बी सर, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ब्स यानी क्रिया, जिसको हम पिछली क्लासेस से पांचवी क्लास में भी, फोर्थ क्लास में भी और सिक्स्थ क्लास में भी आपने वर्ब्स को पढ़ा है, वर्ब्स की टाइप्स होते हैं, वर्ब्स की फॉर्म होते हैं, लेकिन आज हम वर्ब्स को फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं एक प्रॉपर वे में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स मीन्स टू डू एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग, यानी कोई चीज़ करना या फिर हैपनिंग एनीथिंग या फिर कोई चीज़ होना वर्ब कहलाता है। हाँ, किसी कार्य का करना या होना वर्ब कहलाता है। हाँ, तो आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एंड वाई आर दीज वर्ब्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, और ये वर्ब्स हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज दीज वर्ब्स हेल्प टू फॉर्म द सेंटेंस प्रॉपरली, क्योंकि ये वर्ब्स हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वर्ब्स प्ले ए ह्यूज रोल टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच वेल एंड टेंसेस टू। वर्ब्स हमारी हेल्प करती हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है समझने में पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये ग्रामर में हमारे टॉपिक होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं स्पीच, यानी ग्रामर को बोलने में, लिखने में काफ़ी हमें हेल्प करते हैं। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर ग्रामर, यानी वर्ब्स हमारी पार्ट ऑफ स्पीच को सीखने में और टेंस को सीखने में, टेंस की पावर को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ए सेंटेंस कैन नॉट बी फाउंड विदाउट ए वर्ब, यानी अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट कंप्लीट इट सेल्फ, यह अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। तो चलो अब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे हैं। वी कैम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब्स। अब हम वर्ब्स को इस तरह दो हिस्सों में तोड़ते, डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं इसको हम। वर्ब्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिसमें पहली होती मॉडल वर्ब्स, इन जो मॉडल हम सीखते हैं, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, दीज वर्ब्स आर मॉडल्स, एंड मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम कहें जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं यानी प्राइमरी वर्ब्स, जो एक छोटे लेवल पर होती हैं, यानी बी, डू, हैव, दीज वर्ड्स और ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इनसे हम काफ़ी हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं, जिस तरह बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, यानी मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर, और बी की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वो क्या होता है, बीन। उसी तरह डू, डू मीन्स करना, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो अब हम यूज करते हैं डू, डज और डिड को हम यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंसेज में। अब लास्ट है हैव, हैव भी हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। हैव की वर्ब्स होंगी, हैव फर्स्ट फॉर्म होगी, हैव की सेकंड फॉर्म होगी हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो इस तरह अब हम हैव को यूज करेंगे एज एन हेल्पिंग वर्ब, हम हैव को यूज करेंगे हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यानी प्रेजेंट टेंस में। हैड को हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो इस तरह हमने बी, डू और हैव से काफ़ी वर्ब्स की फॉर्म बना ली, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इस तरह हमने 8 से 10 तक इन तीन वर्ड से हमने हेल्पिंग वर्ब्स बना ली। तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ओके, हाँ, अब ये पार्ट्स आता है यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब्स जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं वो होती है मेन वर्ब।
हाँ, तो मेन वर्ब में आती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम मेन वर्ब का खाली फाइनाइट वर्ब का हिस्सा सीखने जा रहे हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक बड़े लेवल पे यूज होते हैं और आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो टाइप्स में होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इन द वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स सेंस और मीनिंग, यानी ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है मीनिंग सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो दोज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव क्या होती हैं? विच नीड नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, यानी जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है सेंटेंस को कम्प्लीट करने में, वो होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इनको हम आगे सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वी मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ वी कैम टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सीधी कोई स्पष्ट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, टू से समथिंग डायरेक्ट टू समवन, बिना किसी हिचकिचाहट के कोई सीधी बात कह देना, सीधी किसी कोई चीज़ दे देना, तो वो होती डायरेक्ट चीज़, डायरेक्ट वे ऑफ सप्लाइंग। इनडायरेक्ट क्या होते हैं? थ्रू सम मेथड या थ्रू वाया समथिंग, किसी चीज़ को होके, कहीं से होके कोई चीज़ गुजरना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, यानी किसी के थ्रू हमें कोई बात किसी के पास पहुँचाना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वे ऑफ सेंडिंग अवर मैसेज। जिस तरह मैं आपके पास मैसेज सेंड करता हूँ किससे, व्हाट्सएप से, तो दैट वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो ही आस्क मी ए क्वेश्चन, उसने क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा? मेरे से, मुझसे। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन क्या उसने क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो हम ये पहचानेंगे एक सेंटेंस अगर हु या फिर व्हाट की कंडीशन दर्शाता है, शो करता है। देखो, ही आस्क, उसने क्या पूछा, व्हाट यानी क्या, क्वेश्चन, यानी यहाँ पर ये व्हाट की कंडीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, अब फॉर हुम, किससे पूछा, मी मुझसे, यहाँ पर हुम की कंडीशन है, तो जो वर्ड्स हुम की कंडीशन दिखाए वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी, हाँ, यानी हम एक क्वेश्चन जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले रिप्लेस करेंगे, पहले ले आएंगे, और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे, लेकिन इसमें एक सिंगल चेंज होगा, फिर हमें मी से पहले टू का यूज करना पड़ेगा, यानी उसने एक क्वेश्चन पूछा किससे, टू मी, मुझसे, ओके। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स नीड नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे इन्हें प्रॉपर वे। देखो, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ही बर्न्ड द फायर, उसने आग जलाई, द फायर बर्न्स, आग जलती है, तो ये सेंटेंस है ही उसने बर्न्ड जलाया, क्या जलाया, यानी व्हाट या हुम की कंडीशन मांग रहा है, तो यहाँ पर हमें ही बर्न्ड, उसने जलाया। अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने ये ऑब्जेक्ट चूज किया, तो अब ये सेंटेंस में ये वर्ब बर्न्ड क्या हुआ, ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अब सेकेंड सेंटेंस है, इसमें जो फायर है ये एक ऑब्जेक्ट था, अब ये खुद एक सब्जेक्ट बन के आया है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। अब यहाँ पर वर्ब क्या हुई, फायर बर्न्स, आग जलती है, यानी उसे किसी की हेल्प की कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वी शैल फील नो रिक्वायरमेंट फॉर ए ऑब्जेक्ट। तो हेयर द वर्ब यूज्ड बर्न इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके। हाँ, इनट्रांजिटिव वर्ब। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, कैट काउच पर यानी सो रही है, तो बिली सो रही है, अब यहाँ पर क्या, ऑन द काउच, काउच पर, ऑन द काउच ये क्या है, ये एक फ्रेज है, यानी
ऑन द काउच, इन द रूम, एट होटल, इस तरह के वर्ड होते हैं जो आप अपने साथ एक परिभाषण लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होके वो फ्रेज होते हैं। तो यहाँ पर स्लिप क्या है, बिली सो रही है। हाँ, तो जरूरी नहीं हो काउच पर सोए, उसको सोने के लिए कोई भी सेफ ऐसी जगह मिले तो कहीं पर भी सो सकती है। तो यहाँ पर स्लिप हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। द कैट चेज्ड द माइस, बिली ने चेज्ड पीछा किया, द कैट चेज्ड अब पीछा किया किसका, द माइस चूहे का या कोई और चीज है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, तो यहां पर चेज्ड क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। द रेस बिगेन, रेस शुरू हुई, ही वॉन द रेस, उसने रेस जीती। अब यहां पर रेस है ये सब्जेक्ट है, बिगेन शुरू हुई, हाँ, तो यहाँ पर अपने आप में एक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसे फर्दर कोई रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बिगेन होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब उसने रेस जीती, अब यहाँ पर ही वॉन द रेस, यहाँ पर द रेस है जो पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस बन गया है। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी वर्ब्स जो अपने आप में इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दिखाती हैं। प्रेडिकेशन क्या होता है, प्रेडिकेट सन, यानी जिसमें प्रेडिकेट का रोल इनकम्प्लीट है। राहुल सीम्स राहुल दिखाई पड़ता है, एंग्री गुस्से में, वेल अच्छा, तो इस तरह हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस को कम्प्लीट करने के लिए। तो ये सिर्फ खाली सेंटेंस को कम्प्लीट कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स क्या होंगे, ये होंगे कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो ट्रांज, अब ये वर्ड्स है सीम्स, ये वर्ब है, यानी सीम्स प्रतीत होना, अपीयर प्रतीत होना, लुक दिखाई पड़ना, ये कुछ वर्ब्स हैं इस तरह, तीन या चार ये वर्ब्स यूज होती होंगी ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन टेक टू कम्प्लीमेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो दो कम्प्लीमेंट ले सकती हैं। ही अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल, उसने मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया, अपॉइंट किया, तो ही अपॉइंट, उसने अपॉइंट किया, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मी मुझे, मी क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और क्या है, साथ में ये प्रोनाउन है। प्रिंसिपल क्या है, ये एक नाउन है। हाँ, तो यहाँ पर ही अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया, मी मुझे, प्रिंसिपल। हाँ, वी फाउंड देम सेटिस्फाइड, हमने उनको सेटिस्फाइड पाया, तो यहाँ पर ये क्या है, देम क्या है, प्रोनाउन है। तो अब हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट आर द वर्ड्स दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई फिक्स नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, हैप्पीली, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब जरूरी नहीं कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो, वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैं कहता हूँ ये खुशी से चिल्लाए, तो हैप्पीली क्या, यहाँ पर ये एडवर्ब है और कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। मैं कहता हूँ ही वॉज ए वाइज मैन, ही वॉज ए टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या है, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। मैं कहता हूँ ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, तो यहाँ पर स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट की कई फॉर्म्स हो सकती हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुई है, दोज वर्ब्स मे बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। हमें डिपेंड इस बात पर करता है कि वो वर्ब्स किस तरीके से यूज हुए हैं, हमें सिर्फ उस चीज को पहचानना है कि वो वर्ब्स किस वे में यूज हुई हैं। अब जिस तरह मैं एग्जांपल से लेता हूँ कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो यहाँ पर पानी है और एक मैं कहता हूँ सेंटेंस से, ही बॉइल्ड द वाटर, उसने पानी को गर्म किया, तो ही बॉइल्ड, उसने गर्म किया। अब उसे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसने क्या अंडे गर्म किए या फिर पानी गर्म किया, क्या गर्म किया उसने, चाय गर्म की
तो यहाँ पर उसे कुछ रिक्वायरमेंट हो रही है, तो यहाँ पर बॉइल्ड क्या होगा, यहाँ पर बॉइल्ड होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं कहता हूँ वाटर बॉइल्स, एग बॉइल्स, अंडे उबलते हैं, तो यहाँ पर बॉइल्स होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इन्हें अब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इन कुछ प्रेटिस सेट लेते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वे को प्रॉपरली समझने के लिए और इनको क्लियर करने के लिए। दे ऑल शाउटेड हैप्पीली, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, शाउटेड ये क्या है, ये चिल्लाए। अब चिल्लाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन डू इट देमसेल्व्स, हैप्पीली खुशी से, तो यहाँ पर हैप्पीली होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक ध्यान रखना आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो इंट्रांजिटिव, जहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती सेंटेंस में वहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और जिस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मैं सेकेंड सेंटेंस लेता हूँ, आई फाउंड द कन्वर्सेशन डिस्टर्बिंग, मैंने जो बातचीत हो रही थी उसको डिस्टर्बिंग पाया, अजीब सा पाया, कुछ यानी संतोषजनक था नहीं था वो चीज़ जो डिस्टर्ब कन्वर्सेशन उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, वो कोई नतीजा देने वाले नहीं थी। तो यहाँ पर आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने क्या पाया, यानी कन्वर्सेशन। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये फाउंड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और डिस्टर्बिंग क्या है, अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब है तो सीधी बात है नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई विल मीट यू एट द गेस्ट हाउस, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस में मिलूंगा, तो यहाँ पर आई विल मीट, मैं मिलूंगा, तो यहाँ पर मीट होगा ट्रांजिटिव वर्ब। एट द गेस्ट हाउस ये क्या, ये एक फ्रेज है। When the game ended, the teams broke up, यानी जब गेम खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ, तो दो टीमें थी वो ब्रोक अप हो गई, यानी अलग अलग हो गई, बिल्कुल टूट गई वो। तो गेम एंडिड, गेम खत्म हो गया, यानी खत्म होने के वो सीधी सी बात है, टाइम के अकॉर्डिंग गेम खत्म होगा, इट इज नेचुरल। यहाँ पर एंडिड है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये भी ब्रोक अप, ये भी है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह आज हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा, उनके कुछ बेसिक्स को भी जाना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन विद लॉट्स ऑफ अटेंशन, एंड आफ्टर ऑल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम वाइल रिवाइजिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।